हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर इंजीनियर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएसबी स्पीकर 2.0, मेरा ये कंप्यूटर यूएसबी स्पीकर है, वो एक बज रहा है एक नहीं बज रहा है, तो इसको कैसे ठीक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर तो अपना जो सप्लाई वायर है वही ख़राब होने का चांसेस बढ़ता है। क्या है कि इसका जो सप्लाई है वो फिक्स रहता है, वो या तो कंप्यूटर यूएसबी में से पावर आ रहा है या तो फिर अपना चार्जर है सिंपल उसमें से हम पावर सप्लाई करते हैं, तो इसका सर्किट या फिर इसका स्पीकर ख़राब होने का चांसेस 90% कम हो जाता है। ज़्यादातर खराबी इसमें ही आती है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस में क्या फॉल्ट था। इसको मैंने पहले भी सही किया है, देखिए मैंने इसमें ओप्पो का कॉम्बिनेशन डाल दिया था क्योंकि पहले इस वायर में खराबी थी, ये सही नहीं चल रहा था। जो उसका साथ में ओरिजिनल वायर आया था वो शॉर्ट हो चुका था, तो स्पीकर में से सही आवाज़ नहीं आ रही थी, बिगड़ी बिगड़ी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इस वायर को सिंपली चेंज करने से सही कर दिया था। तो अभी दूसरी बार ऐसा कुछ, एक साइड का स्पीकर चल रहा है एक साइड का नहीं चल रहा है, तो क्या दिक्कत है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी बात बता दूँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे हर एक इंजीनियरिंग फील्ड का कुछ ना कुछ मतलब देखने को मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग वाले का भी मिलेगा, कंप्यूटर वाले का भी मिलेगा, सभी तरह का नॉलेज है हमारी इस चैनल पर, तो आप जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला स्पीकर नहीं चल रहा है, ये वाला चल रहा है, तो मैं आपको चालू करके बता देता हूँ। अभी अब इसको खोल के देख लेते हैं कहाँ पे दिक्कत थी, अगर ये वायर में फॉल्ट है तो कैसे चेक करना है वो भी दिखा देता हूँ मैं, इसमें फॉल्ट है तो कैसे चेक करना है वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं, ये सिंपली चिपका हुआ रहता है यहाँ से, तो इसको कुछ नहीं करना है, सीधा टेस्टर डालिए, घुमा के खोल दीजिए। पहले मैंने खुला हुआ था इसीलिए ये बहुत ही आसानी से खुल जा रहा है, तो खोलते ही मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ये वाला वायर, ये वाला जो वायर है वो सोल्डर में से ही निकल चुका है। ये जो है वो सप्लाई वायर है, अब इसको एक बार अगर दूसरा कोई फॉल्ट आ रहा है ये सही दिख रहा है, तो आप सप्लाई भी चेक कर सकते हो यहाँ से। तो अभी मैं आपको मल्टीमीटर से सप्लाई दिखा देता हूँ, सप्लाई उसकी सही आ रही है कि नहीं। अपना जो मतलब ये चार्ज लगा है चार्जर, तो उससे सप्लाई सही मिल रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये वायर बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, ये सप्लाई वाला वायर है मतलब उससे पावर सप्लाई मिल रहा है। देखिए दोस्तों, रीडिंग मिल रहा है मेरे को +5.0, -5.11 मिल रहा है, मतलब मैंने प्रोब्स उल्टा लगाया है, लेकिन सप्लाई तो मेरा सही आ रहा है, तो उसमें दूसरा क्या फॉल्ट है वो देख लेते हैं। अभी आपको क्या करना है आगे का फॉल्ट देखने के लिए, सिंपल अपने वोल्ट मीटर को सप्लाई चेक करने के लिए हमने क्या किया था, वोल्ट मीटर को 20 पे रख दिया था, क्योंकि अपना जो पावर सप्लाई वो आता है वो 5 वोल्ट के आसपास ही देना है इसको, ज़्यादा सप्लाई नहीं देना है वरना आपका स्पीकर फटने का या सर्किट ब्रेक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सप्लाई तो अपना सही आ रहा है, अभी मैं आपको ये वाला केबल सही चल रहा है कि नहीं वो दिखाता हूँ। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूटी मोड पे डाल देंगे यहाँ पे देख लीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर अपना ये इधर आप देख रहे हैं 3 वाइट कलर लगा हुआ पट्टी है, पहला दूसरा तीसरा 3 पट्टी है, ये माइक्रोफोन के लिए वर्क कर रहा है, एक ग्राउंड केबल दिया है, एक अपना लेफ्ट स्पीकर के लिए है और एक राइट स्पीकर के लिए है, कौन सा के साथ है वो हम देख लेते हैं। तो ये मैं पहले में सिंपल लगा रहा हूँ इसको यहाँ पे, प्रोप्स को दूसरा प्रोप्स यहाँ पे सर्किट में देख लीजिए, देखिए सर्किट में मेरा ये 3 प्रोप्स जा रहा है, स्पीकर मेरा इधर लगा है तो वो तो उसके साथ रहेगा, आगे तो अपना जो सिर्फ सप्लाई है वही जा रहा है,
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा अलग हो गया है, तो ये मेरा बजर बज रहा है, मतलब उसमें आपको वैल्यू मिल रहा है। बारी बारी से आपको चेक करना है किसके साथ क्या लगा है। देखो ये बजर ऑन हुआ, मतलब अपना ये वाला केबल सही है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें दूसरे वाले पॉइंट पे लगाएंगे, इसको ऐसे पकड़ लेंगे, इसको ऐसे दूसरे वाले पॉइंट पे लगाएंगे और इसको ऐसे पकड़ लेंगे। फिर इसमें बारी बारी से एक अलग अलग जगह पे टच करवाएंगे, यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। तो नहीं बज रहा है बजर, यहाँ पे देख लेते हैं। तो अपना बजर ऑन हुआ, मतलब ये वाला भी सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है। तो लेफ्ट राइट वाला तो अपना जो फॉर्मूला है वो सही चल रहा है। अभी हम ग्राउंड देख लेते हैं, अगर ग्राउंड सही नहीं है तो भी अपना स्पीकर नहीं चलेगा। तो अभी यही बचा है सिर्फ, इधर लगाया तो ये भी चल रहा है, मतलब अपना वायर में कोई फॉल्ट नहीं है, सिंपली यहाँ पे ही फॉल्ट है, ये जो निकल गया है। अभी आप सर्किट को देख सकते हैं, सर्किट में क्या हुआ है, यहाँ से जो इसका जो मतलब स्टैंड था वो भी निकल गया है, मतलब उखाड़ के ही निकल गया है, वायर खींचा हुआ लग रहा है मेरे को। तो इसको सीधा जंप करना पड़ेगा मेरे, इसके ये जो है उसको सीधा यहाँ जंप करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो कैसे जंप करूँगा वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो इसको कैसे जंप करना है देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से पूरा अपना सर्किट का जो है वो भी पार्ट, मतलब उसको भी खींच के निकल दिया है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर देंगे तो अपना स्पीकर सही हो जाएगा। चलो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने सोल्डर कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कैसे उसको डायरेक्ट जहाँ पे उसका कनेक्शन था वहाँ पे ही लगा दिया है। ये जो था पहले यहाँ पे लगा था, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है, सीधा उसको जंप करा के इसका जो SMD रेजिस्टेंस लगा था वहाँ पे जंप करवा दिया है। बाकी जो पॉइंट्स था वो वैसे का वैसा ही रखा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव वो सब वैसा ही है। तो अभी मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ, ये मैंने ऐप खोल के ही रखा था। देखिए दोस्तों, ये स्पीकर में क्लियर आवाज़ मिल रही है आपको। उसके बाद ये स्पीकर भी देख लीजिए दोस्तों, मतलब कि अपना जो स्पीकर में जो भी फॉल्ट था वो सॉल्व हो गया है। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो कंप्लीट, मतलब वो USB से आता है या फिर अपना एडेप्टर है जो 5 वोल्ट DC एडेप्टर है उससे ही आता है। तो उसमें अपने को, मतलब उसमें मान के चलो खराबी होने का चांसेस बहुत ही कम है, या सर्किट ख़राब होने का चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सर्किट ख़राब है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो अभी तो हम इसको पैक कर लेते हैं, क्योंकि तो इसका सर्किट में कोई मतलब वो नहीं था, तो उसको ठीक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है अपने को। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो, जिससे हम USB स्पीकर 2.0 USB स्पीकर इंटेक्स का था उसको हमने सही किया है। तो ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें होगी जिससे जिसको आप घर पे ठीक नहीं कर पा रहे हो, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट में या ईमेल पे, कमेंट में अपना ईमेल एड्रेस बता दीजिए और जो भी फॉल्ट है उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, हम इसको लगा देते हैं। जैसे कंपनी फिटिंग आया था ऐसे ही कर देते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही चिपका देने का है। मेरा ये जो फंक्शन है, मतलब जो स्पीकर वाला, इधर से चालू बंद होता है, फ़ोन आता है तो भी इसमें आवाज़ आती है, तो सभी फंक्शन चल रहा है। ये फंक्शन पहले नहीं था, लेकिन मैंने ये वायर को ओप्पो का जो हैंड्स फ्री था उससे मैंने रिप्लेस किया, तो ये भी फंक्शन मेरा चालू हो गया। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, दो लोगों को और बताइए कि भाई ये चैनल पे अच्छा नॉलेज मिल रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करवाइए। आखिरी तक मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका
धन्यवाद, थैंक यू।